हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डाइटिशियन हरप्रीत। आज मैं आपके साथ एक घर पे बने हुए एक बहुत ही अच्छे टेस्टी बिस्किट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो मैंने अपने घर पे स्पेशली अपने बेटे के लिए बनाए थे। तो आप उसको, वो हेल्दी बिस्किट की रेसिपी है, उसमें कोई हमने वाइट फ्लोर यूज़ नहीं किया है मैदा, तो और हमने वाइट शुगर भी यूज़ नहीं की है। तो प्लीज़ आप वो रेसिपी ज़रूर देखिएगा एंड अपने घर पे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं रेसिपी। तो ये हमने लिया है एक, ये गेहूं का आटा है, वीट फ्लोर, एंड ये हमने लिया है रागी का आटा। ये हम इसमें ब्राउन शुगर यूज़ करेंगे, वाइट शुगर नहीं। एंड कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बाउल में लेंगे गेहूं का आटा। मैंने सेम ही जो बाउल है वो मैंने सेम लिया है। आप लोग कोई भी बाउल कप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास वो मेजर करने वाले कप्स हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये मैंने हाफ लिया है, वो गेहूं का आटा एक कप है एंड ये हाफ कप है रागी का आटा। अब हम इसमें डालेंगे ब्राउन शक्कर, बिकॉज ये बच्चों ने भी खाने हैं तो हम उनको शुगर फ्री नहीं दे सकते। आप लोग चाहें तो इसमें डेट सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है बेकिंग पाउडर। दैट्स इट। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, थोड़ा सा हमने इसमें देसी घी डाल दिया क्योंकि ये हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो देसी घी हेल्दी है। आप लोगों को कोई भी और ऑयल, आप लोगों को जो अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसको मिक्सिंग करेंगे इसकी अच्छे से, क्योंकि इसमें हमने देसी घी डाल दिया है। देसी घी के साथ हम इसको थोड़ा सा मिलाएंगे। अब आप इसको इसमें सिंपल पानी भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा मिल्क लिया है। थोड़ा सा आप इसमें ऐड करेंगे और आप इसको अच्छे से मिक्स करने की कोशिश करो ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, ज़्यादा हम ऐड करेंगे तो ये इसका जो ये हम जो आटा बना रहे हैं ये थोड़ा सा पतला भी हो सकता है, ये पतला नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे। ये अब आई थिंक इतना बहुत है, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा तो आटा पतला हो जाएगा। तो गाइस, ये हमने एक ट्रे ली है, उसमें हमने ये बटर पेपर रखा है। बटर पेपर आप इसको थोड़ा सा हल्का सा घी या ऑयल जो भी आप चाहें, या अगर बटर लगाना चाहें, बटर इज़ नॉट अ हेल्दी ऑप्शन, सो आप इसमें देसी घी का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा आटा है, हम इस आटे को थोड़ा सा हम लोग लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे, अगर आपको छोटे छोटे बनाने हैं आप उस हिसाब से बना लीजिए। ऐसे बना के छोटे छोटे इसको रख सकते हैं। शेप आप कोई भी दे सकते हैं, अगर आपके पास कोई कटर हो बिस्किट के लिए तो आप वो कटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इसके
आप लोग फॉक का यूज़ करके ना इस पर ऐसे होल्स बना सकते हैं ताकि इसको बेक होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप लोग जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने इस पर ऐसे होल्स बना दिए हैं जिससे इसको बेक होने में और इजी होता है। ये हमने ओवन में रखे हैं अपने कुकीज़, वही जो मैंने आपको दिखाए हैं सेम वही है देखिए। एंड मैंने इसको 180 डिग्री पे 15 मिनट्स के लिए लगाया है, उसके बाद हम इसको निकाल के चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कुकीज़ हैं ये बन के रेडी हो चुकी हैं, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं ये जो कुकीज़ हैं ये ऐसे बन के तैयार हो गई हैं। एंड आप इसको तोड़ के देख सकते हैं तो ये काफ़ी करंची हैं, ये देखिए वेरी करंची कुकीज़। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।